लुधियाना के सपूत मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा से आज भी चीन की रूह कांप उठती है। साल 1962 के भारत चीन युद्ध में चीन को ऐसी मार पड़ी थी कि रेजागला दर्रे के रास्ते लद्दाख में घुसने की हिम्मत वह आज भी नहीं जुटा पाया। जोधाणा के सपूत मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा की मेजर शैतान सिंह का बलिदान दिवस जोधपुर में उल्लास के साथ मनाया गया। भारत चीन 1962 के अदम्य साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए देश के सर्वोच्च बलिदान करने वाले परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का बलिदान दिवस गुरुवार सुबह पावटा स्थित परमवीर सर्कल पर मनाया गया। इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दिलीप सिंह खंगारात ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में सैन्य अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, गौरव सेनानी और आम नागरिकों द्वारा मेजर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मेजर शैतान सिंह की शौर्य गाथा आज भी युवाओं के दिल में है। चंगुल शिखर की लड़ाई में 18 नवम्बर 1962 को परमवीर मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व वाली भारतीय सेना की तरह कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 114 सैनिकों ने शहादत देकर न सिर्फ चीन की सेना को लद्दाख से घुसने से रोक दिया बल्कि दुश्मन के लगभग 2000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मेजर शैतान सिंह और उनकी कंपनी के जवानों के शव लगभग 3 महीने बाद मिले, तब भी उनके हाथों में मौजूद संगीने अदम्य साहस की कहानी कर रही थी। उस लड़ाई की कहानी आज भी भारतीय सेना के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों की दमक रही है। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह 13 कुमाऊं के 40 कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। वे अपनी कंपनी के 124 जवानों के साथ में लेह लद्दाख में चुसुल सेक्टर में 17,000 फीट की ऊंचाई पर रेजिंगला पास पर तैनात थे। 18 नवंबर 1962 की रात को उनकी कंपनी पर तकरीबन 5,000 चीनी सैनिकों ने हमला बोल दिया। मेजर शैतान सिंह और उनके बहादुर जवानों ने डट के चीनी सेना का मुकाबला किया। मेजर शैतान सिंह जी इस युद्ध में गंभीर रूप में घायल हो गए थे और उनको वापस बटालियन हेडक्वार्टर लौट आने का आदेश मिल चुका था, लेकिन मेजर शैतान सिंह जी ने आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ने का निर्णय लिया। बताया जाता है कि इस युद्ध में तकरीबन 3,000 चीनी सैनिक मारे गए थे। अंत में मेजर शैतान सिंह जी और उनके 114 बहादुर अहीर जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और वीरगति को प्राप्त हो गए। मेजर शैतान सिंह जी को मरणोपरांत देश का सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। आज उनकी 59वीं पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनको नमन करते हैं। ये देश उनके इस महान योद्धा के बलिदान को कभी नहीं भुला पाएगा। जय हिंद। आज भारत के महान सपूत मेजर शैतान सिंह जी के इस अवसर पर सभी उपस्थित हुए आर्मी के जवानों ने, अफसर्स ने और माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब की तरफ से मैंने भी माल्यार्पण किया और उस महान सपूत को सलामी दी। ये भारत का बहुत ही गौरवशाली इतिहास के भाग रहे हैं कि 1962 के चाइना युद्ध के अंदर इनको परम गति मिली और देश की एकता और स्वतंत्रता को अक्षुण रखने के लिए इन्होंने अपना महान योगदान दिया, अपनी कुर्बानी दी। ऐसे महान सपूत को मैं सलाम करता हूँ। सत्यवीर यादव, एडीएम जोधपुर। दलीप सिंह खंगारोत, मैं जिला सैनिक कल्याण